तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रेसेट हमने ये कंसीडर किया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने एससी एसटी ओबीसी को एक रिजर्वेशन दिया है और सुप्रीम कोर्ट में वो रिजर्वेशन का प्रिंसिपल क्यों नहीं लागू, क्यों नहीं लागू जब जब लोअर कोर्ट में है ऑब्वियसली। और सेकेंडली हमने ये देखा था कि चलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्रेसली ये नहीं कहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिमिनेशन करने के भी ये नहीं कहा कि यदि आप कहते हैं कि हम लोग जनरल कैटेगरी में सबको ले रहे हैं, मेरिट पे सबको ले रहे हैं, दैट डज नॉट मीन दैट, मतलब ये था कि ठीक है आप कॉलेजियम से भी लोग आए तो सबको मौका मिलना चाहिए, ऑब्वियसली बिल्कुल। और वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है, 92 में जो जजमेंट आया है, 93 में जो जजमेंट आया है, उसमें वो जजमेंट में है कि डाइवर्सिटी प्रिंसिपल, जो जस्टिस चंद्रचूड़ है इन्हीं के रिज्यूमे में बाबा साहब का स्टैचू एस्टैब्लिश हुआ, बिल्कुल बाबा साहब को लेकर तमाम स्टेटमेंट आए इनके, या फिर कई बातें उन्होंने इस समुदाय को, वंचित समुदाय को लेकर कही है, इनको इनके काम को कैसे देखते हैं और इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको कैसे देखते हैं? जस्टिस चंद्रचूड़ को भाषण देने के लिए अलग से 3 महीना की सैलरी देनी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ जो भाषण दे रहे हैं उसको वो लागू नहीं, बोलते हैं कि आप संविधान को मानो या ना मानो, लेकिन संविधान आप नहीं मानते हुए भी आपके ऊपर लागू होता है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं, वो जो है उनके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 15 फरवरी 2019 को एक साइकिल रैली निकली थी और साइकिल रैली भारत की संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निकाली गई थी और सवाल उठाया गया था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जो शेड्यूल कास्ट है उसके जज क्यों नहीं है, जो वंचित समाज है, वंचित तबका है, उसकी हिस्सेदारी क्यों नहीं है। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज पहुंचते हैं वो कोलिजियम सिस्टम से होकर पहुंचते हैं, जिसको लेकर वंचित तबके का आरोप रहा है कि वहां पे वंचितों की भागीदारी नहीं है, क्योंकि क्योंकि कोलिजियम सिस्टम जो होता है वहां वंचित है नहीं, इसलिए पहुंच नहीं पाते। ये सवाल जब उठा था तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील शामिल थे और उसमें एक नाम नितिन मेश्राम जी का भी था, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी वकील हैं, तब भी वकील थे, हमारे साथ हैं नितिन जी। उस रैली के बाद, साइकिल रैली के बाद हुआ यह कि 15 फरवरी 2019 में रैली निकली और मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पहला दलित समाज का जज पहुंचे हैं, जिनका नाम था जस्टिस बी आर गवई। तब से लेकर फिर 2021 में एक जज आए, सी टी रवि कुमार। उसके बाद 2023 में अगस्टिन जॉर्ज मसीह, जो कि वाल्मीकि समाज के हैं लेकिन कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, वो आए। और अभी एक नया नाम जो 2024 में इस नए साल में सामने आया है, जिनके नाम का रिकमेंडेशन हो गया है, वो है पीबी वरा। शपथ ले ली। तो भारत की शीर्ष न्याय व्यवस्था में, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ऐसा है इतिहास में जब लोग जो वंचित समाज के हैं सुप्रीम कोर्ट तीन, में तीन जज हैं। और इस पूरे मोमेंट को जो शुरुआत की थी नितिन मेश्राम जी, जैसे मैंने बताया, हमारे साथ हैं नितिन जी। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई। थैंक यू। इसका इम्पोर्टेंस हम समझ सकते हैं कि जहां जिस सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज नहीं दिखता था सुप्रीम कोर्ट का, आप इसको कैसे देखते हैं, इस मोमेंट को और जो चीजें हुई? बहुत बड़ा माइलस्टोन के तौर पर मैं देखता हूँ कि जुडिशियरी में डाइवर्सिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और जुडिशियरी में जो डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से आप संविधान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, संविधान को लागू भी कर सकते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके लागू कर सकते हैं और जो देश की गवर्निंग सिस्टम है उसको ठीक कर सकते हैं, तो उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। जुडिशियरी ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्गन है और बहुत इम्पॉर्टेंट आर्गन होने की वजह से उसको 3-4 बड़े इम्पॉर्टेंट अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपके अपने जज नहीं रहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करने वाले जो जज रहेंगे, हो सकता है कि उसका जो भावना होगी वो शायद संविधान के फेवर में ना हो और उसकी वजह से संविधान डिफीट होने की संभावना रहती है। इसलिए हम लोगों को चाहिए था कि हमारे जो पर्सपेक्टिव के जजेस है, जरूरी नहीं है कि हमारे फेवर में जजमेंट दें, संविधान के फेवर में जजमेंट दें,
तो इसीलिए जो है हम लोग उसके लिए कैंपेन कर रहे थे। जब हम लोग 15 फरवरी 2019 को पहला कैंपेन शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट पर साइकिल मार्च ले गए और उसमें रजिस्टर वगैरह वो लोग हाजिर थे, वो मतलब आए थे, और फिर हमारे समुदाय के और बहुजन समुदाय के सारे समुदाय के लोग वकील वहाँ आए थे। तो उस समय बालकृष्णन साहब रिटायर होके 9 साल हो चुके थे। ओके, और खाली था वहाँ पे कोई? 9 साल से कोई भी पर्टिकुलरली दलित समुदाय से कोई जज नहीं था। और फिर हम लोगों को लग रहा था कि जब बहुजन समाज में से कोई जज ही नहीं है वहाँ पे, पर्टिकुलरली दलित समुदाय से कोई जज नहीं है, तो इस बीच में आरक्षण वाली केसेस पेंडिंग रहती थी, उसके खिलाफ जजमेंट आते थे, आरक्षण के खिलाफ बहुत जजमेंट आ रहे थे उस पीरियड में। और जो संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ में हम लोग देख रहे थे कि वो लागू नहीं हो रही। तो हमने जब कैंपेन किया 15 फरवरी को और उसके बाद में किक स्टार्ट किया, तो तुरंत मई महीने में जो बॉम्बे हाई कोर्ट में सीनियर नहीं थे, 12वीं सीनियरिटी पे उस समय गवई साहब थे और ऑल इंडिया सीनियरिटी में आई थिंक 24 नंबर पर थे, और हालांकि वो दलित समुदाय के सीनियर मोस्ट जज थे इंडिया में पूरे देश उस वक्त। तो उनको तत्काल जज बनाया, बावजूद इसके उनको लेके आया गया। और जब उन्होंने लिखा है कॉलेजियम ने, कॉलेजियम ने उनकी जो अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन किया है उसमें लिखा है कि काफी सालों से जो है इनके समुदाय का वहाँ वैक्यूम नहीं है, तो उसकी वजह से भी इनका जज बनाना जरूरी है। और काफ़ी उसके ऊपर इटिगिटीज हुई है जो गवर्नमेंट के साइड में और कॉलेजियम के साइड में, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। उसके बाद में जब 2021 में एक लॉट में जज बने हैं लोग, जिसमें नागरत्न जो जस्टिस नागरत्न है वो चीफ जस्टिस बनने वाली है, उस लॉट से 2-3 लोग बनने वाले हैं, उसमें सी टी रवि कुमार जो केरला हाईकोर्ट के जज थे उनको जज बनाया गया है। वो भी जो है दलित समुदाय से है। अब आप देखेंगे कि अभी और एक पिछले साल 2019 में ये नवंबर महीना में एक 3-4 जजेस बने, उसमें जो है पंजाब से हमारे समुदाय से जो क्रिश्चियन समुदाय से मतलब धर्मांतरित है वो समुदाय से जो है बनाए गए हैं, जो अगस्टिन जॉर्ज मसीह साहब उनको बनाया गया है। और बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब के साथ में जिनकी फैमिली ने काम किया, मतलब उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड एक सेकंड में बताना चाहता हूँ। पीबी वराले साहब हैं, वो बॉम्बे हाईकोर्ट के जज है, औरंगाबाद से हैं, अभी कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। और उन जब बाबा साहब मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद बना रहे थे तो उनको एक अपने कार्यकर्ता की वहाँ देखरेख के लिए जरूरत थी, जो अपने बड़े कार्यकर्ता की जिसके हाथ में वो अपना कमान दे सके, कमान देकर उसको काम करवाए। तो उन्होंने बाबा साहब ने बीएच वराले को वहां बुलाया था कि आप इसको देखिए, और उनके नेतृत्व में वो बनाया। तो उनकी फैमिली जो है उस समय मिलिंद कॉलेज के निर्माण के लिए औरंगाबाद शिफ्ट हुई थी, अभी वो वहीं पे रहते हैं। ओके, वहीं पे रहते हैं। तो वो फैमिली से जो है वराले साहब है वो अभी यहाँ पे आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका रिकमेंडेशन किया है। तो 6 साल हो गए हैं। यस, 19 से लेके और 23 तक है ना, 5 साल हो गए, 24 चल रहा है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। 2 साल कोरोना में गए बीच में। बिल्कुल, 2 साल कोरोना में। इस बीच में जब आप लोगों ने शुरू किया था कैंपेन, जब साइकिल मार्च निकाला था, तो क्या चल रहा था दिमाग में आप लोगों के, और आप लोग सोच पा रहे थे कि ये चीजें हो पाएंगी? हम लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि जुडिशियरी कैसे फंक्शन करता है ये पिछले 15 सालों में मैंने देखा है। और जब हम लोग स्टीयर कर रहे थे इस कैंपेन को, तो हम लोगों को 3 चीजें इम्पोर्टेंटली हम लोग देख रहे थे कि हमें डाइवर्सिटी लानी है, सिर्फ दलितों की नहीं, हम लोग हर समाज का प्रतिनिधित्व हो, ओबीसी की और शेड्यूल ट्राइब की भी जो है डाइवर्सिटी, और महिलाओं की भी, पर्टिकुलरली SC ST ओबीसी महिलाएं नहीं है। तो हम लोग जो है शेड्यूल ट्राइब के जज के लिए वराले साहब का जब हो रहा था, तो उस समय हम लोग बोल रहे थे कि शेड्यूल ट्राइब के जज को बनाओ, क्योंकि पूरे इतिहास में सिर्फ एक जज बना है शेड्यूल ट्राइब का, तो हो सकता है अवेलेबिलिटी ना हो या फिर सीनियरिटी में ना हो, उसकी वजह से शायद नहीं बनाया हो। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हमें पता था कि इस तरह से यदि हम कैंपेन करेंगे तो ये काम होगा, और उसके रीजंस थे, उसके रीजंस थे कि हमें पता था कि जो डाइवर्सिटी है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। ओके,
सेकेंडली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस इस चीज़ को भी मिला हुआ है कि जजेस हैव देयर ओन टेम्परामेंट, वो जजमेंट्स में रिफ्लेक्ट करता है और जजमेंट में रिफ्लेक्ट करता है और उसकी वजह से जजमेंट्स जो है जजेस के पर्सनल प्रियोरिटाइज़ से प्रभावित होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फेसेट हमने कंसीडर किया था। और तीसरा इम्पॉर्टेंट फेसेट हमने ये कंसीडर किया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने एससी एसटी ओबीसी को एक रिजर्वेशन दिया है और सुप्रीम कोर्ट में वो रिजर्वेशन का प्रिंसिपल क्यों नहीं लागू, क्यों नहीं लागू जब जब लोअर कोर्ट में है ऑब्वियसली। और सेकेंडली हमने ये देखा था कि चलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्रेसली ये नहीं कहा है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए नहीं कहा कि यदि आप कहते हैं कि हम लोग जनरल कैटेगरी में सबको ले रहे हैं, मेरिट पे सबको ले रहे हैं, दैट डज नॉट मीन दैट, मतलब ये था कि ठीक है आप कॉलेजियम से भी लोग आए तो सबको मौका मिलना चाहिए, ऑब्वियसली बिल्कुल। और वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है, 92 में जब जजमेंट आया है, 93 में जो जजमेंट आया है उसमें वो जजमेंट में है कि डाइवर्सिटी प्रिंसिपल्स को लागू होना चाहिए। उसके पहले मैंने लगभग 100 के आसपास लेटर मैंने लॉ मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस को जो लेटर लिखे हैं 93 से अब तक जो 100 के आसपास के लेटर हैं उसमें सब में लिखा है कि जब आप नाम रिकमेंड कर रहे हैं तो नाम रिकमेंड करते समय एससी एसटी और ओबीसी और महिलाओं के भी नाम रिकमेंड कीजिए। अच्छा, तो इसमें ये जो आप लोगों का पूरा संघर्ष रहा है इस पर हम बात करते हैं। ये जो 5-6 साल का संघर्ष हुआ जब आप लोगों ने शुरू किया था, इस ये जर्नी कैसी रही, कौन कौन लोग थे जिन्होंने पुश किया इसको, किन किन लोगों से बातचीत हुई होगी आप लोगों की? इसमें दो इम्पॉर्टेंट लोगों को मैं साथ में मतलब जोड़ना चाहता हूँ, वो है प्रोफेसर दिलीप मंडल और डॉक्टर अरविंद कुमार। डॉक्टर अरविंद कुमार जो है वो जो जेएनयू से पढ़ के अभी लंदन में यूनिवर्सिटी से वो मतलब वहाँ पर लेक्चरर है और पीएचडी हो चुका है और प्रोफेसर को तो आप जानते हैं। इन लोगों ने इस आइडिया का बहुत बड़ा समर्थन किया। मतलब मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हम लोग मिलकर कर रहे थे। बहुत डिफ़िकल्ट कैंपेन था इस पीरियड में, हम लोग चीफ जस्टिस के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे थे, सिस्टम के ऊपर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सीधा आरोप लगा रहे थे, तो वो हमारे लिए पर्सनल भी बहुत डिफिकल्ट फेज था क्योंकि हम उसी कोर्ट में जा रहे हैं, यही आरोप लगा रहे हैं, तो कई एक आध दिन मतलब रिस्क था, बड़ा रिस्क था मोस्ट ऑफ द टाइम। इस बीच में मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली कोर्ट में जो है बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजरना पड़ा। मैं इस बीच में बहुत सारे हाई कोर्ट में आर्ग्यू करने जा रहा हूँ, बहुत सारे हाई कोर्ट में, तो ये हमारे कैंपेन की वजह से लोग मुझे पहचानते थे, तो मैंने देखा है कि मैं देखने के बाद जजेस उस केस में तारीख दे देते थे। अच्छा, तो ऐसे मैंने कई तो परेशान करने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि कुछ कुछ केसेस में मैंने जितना पैसा लिया था उससे ज्यादा मुझे जाने आने में उससे वाल में खर्च हो गया। और आप देखेंगे ये भी एक तरीके का हैरेसमेंट है, काइंड ऑफ यू नो बहुत डिफिकल्ट फेस था। और फिर आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा आप गवा रहे हैं। हम किसी जज को कास्टिस्ट नहीं कह रहे थे, इंस्टीट्यूशन को कह रहे थे, सिस्टम की बात कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कह रहे थे। मुझे लगता है कि ये बात आगे भी बढ़ेगी और मेरा उम्मीद है कि आने वाले 20-30 सालों में आप देखेंगे कि इस देश में जुडिशियरी एक कम्प्लीटली रिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। हाँ, इसमें हमने तीन चीज़ें किया है। हमने जुडिशियल पेंडेंसी को लेकर बहुत बड़ा आवाज़ उठाया। ओके, ये क्या है? हमने ये कहा है कि जुडिशियल पेंडेंसी जो है वो सिर्फ आप हमारी केसेस पेंडिंग रखें, ऐसा हमारा आरोप है। दूसरी बात जो है उस केसेस को आप प्रायोरिटी दे रहे हो जो केसेस आपके कन्वीनियंस की है, आपके कन्वीनियंस की है। तीसरी चीज़ हमने कहा है कि आप ये जुडिशियल पेंडेंसी इसलिए बढ़ी है क्योंकि आप मेडियक और जजेस को सिलेक्ट करते हो, मेडियक और मेडिकल जजेस को क्यों करते हो, क्योंकि आपको कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखना है, वो आपके सिस्टम के हिसाब से चल, और वो किसको सिलेक्ट कर रहे हैं आप? वो इन लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कॉलेजियम सिस्टम की ओरिजिनल आइडिया में शामिल है। तो भाई भतीजा क्यों सिलेक्ट कर, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। थर्ड नया पार्टी आएगा तो उसको नहीं पता रहेगा कि कॉलेजियम सिस्टम को क्यों प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए उसको वो अपने ओरिजिनल आइडिया को लोगों को लेके आना है, उसकी वजह से मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। विलेन कौन है, कॉलेजियम सिस्टम है या फिर गवर्नमेंट है? कॉलेजियम सिस्टम और गवर्नमेंट दोनों विलेन नहीं है, इसमें एक समुदाय है, तो तीसरा फैक्टर ये एक समुदाय है जो अपने हाथ से होल्ड नहीं जाने देना चाहता,
और वो एक कोई एक जाति का समुदाय वो उस सिस्टम में बैठा हुआ जिसने कोलिजन जो रूलिंग क्लास है जो चार पांच जाति धर्म इनसे मिलकर जो बना हुआ है, कुछ लोगों का समूह है ऑब्वियसली वो जो समूह है वो सबसे बड़ा विलन है। वो नहीं चाहता कि कॉलेजियम जो सुप्रीम कोर्ट पे रूल कर रहा है कहीं ना कहीं एक तरीके से, जिनके लिए मुझे गवर्नमेंट के एक काफी बड़े व्यक्ति ने बोला कि हम लोग तो कॉलेजियम अभी रिवर्स कर दे, लेकिन वो जो एलीट है वो एलीट बहुत तकलीफ दे रहा है, एलीट नहीं देना चाहता इसमें। चलो गवर्नमेंट भी कहने के मजबूर हो जाती है, लड़ नहीं पाती है, सीधा टकराव सुप्रीम कोर्ट है, साइड से सपोर्ट आना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे अभी मैं कॉलेजियम के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे साइड के ही लोग हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि फिर तो आप मोदी के हाथ में अपॉइंटमेंट का पावर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या फिर प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव हो या फिर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हो, वो लोग चुनकर आए वाले लोग हैं और वो जो है इस देश के कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही है समाज के प्रति, उनको लोगों के बीच में जाना है, इलेक्ट होके आना है, इलेक्ट होके आना है। और वो लोग पार्लियामेंट में हमारे भी लोग हैं जिनको ये जवाबदेही देते हैं, वो डमी हो कोई भी हो लेकिन हमारे लोग है वहाँ, अकाउंटेबिलिटी है, बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली लॉ मिनिस्टर तो अभी एक दलित समुदाय का व्यक्ति है, इन चीजों से जो है उसके पहले जो है मतलब ये ऐसा फेज है कि उसके पहले शेड्यूल ट्राइब समुदाय के थे, तो ये जो पीरियड है उस पीरियड में हमने देखा कि इतना बदलाव आया कि ये चीजें हम लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब का एक स्टैचू भी मैं उसी पे आने वाला था, उसका क्या इम्पैक्ट मानते हैं, उसकी वजह क्या रही? मुझे लगता है कि ये जो कैंपेन चल रहा था तो उसमें एक कास्टिस्ट जुडिशियरी, कास्टिस्ट कॉलेजियम, तो अपने ऊपर से वो ये हटाने के लिए आरोप, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कैंपेन पिछले चार सालों में जुडिशियरी के खिलाफ चला है, ओके। इसके पहले नहीं चला, इसमें एक और कैंपेन है मनु का पुतला राजस्थान हाईकोर्ट, तो उसके लिए मैं तो उसके फोटो खींचने के लिए जयपुर गया था क्योंकि हमारे पास फोटो नहीं थे, तो मैं फोटो अवेलेबल है नहीं उस समय नहीं थे। अच्छा। उस समय जो है वो ऐसे दूर से एक निकाले हुए या कुछ इस तरह से, तो मैं खुद जाकर फोटो खींच कर लाया था और हम लोगों ने उसको कैंपेन में कन्वर्ट किया, तो आप देखेंगे कि वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा था। अब मनु का पुतला ये लोग हटा नहीं पा रहे हैं, अब उनको सब्स्टिट्यूट देना है, तो देश के सबसे बड़ी जो अदालत सुप्रीम कोर्ट है उसमें बाबा साहब का पुतला लगा दिया, तो वो पुतला वैसे ही, और वो भी एक बेंच में है हाई कोर्ट के एक छोटे से बेंच में, कौन जानता है, इग्नोरेंस वो तो खत्म हो गया। और ये जो कैंपेन चल रहा था उस कैंपेन को किसी तरह से वो सप्रेस करना चाहते थे, तो सप्रेस करना चाहते थे उसकी वजह से बाबा साहब का वहाँ पुतला लगा। ओके, आखिरी दो सवाल है मेरे, जो चार जज हैं अभी इनके होने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, इनके होने से सिस्टमिक चेंजेस आते हैं। सिस्टमिक चेंजेस क्या है कि वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे फेवर में जजमेंट, और वो चाहिए भी नहीं, हमें तो ये चाहिए कि जो कानून है उसके हिसाब से, हाँ वो तो संविधान और कानून को लागू करें, यही तो हम चाहते हैं। तो संविधान और कानून लागू होने की बहुत संभावना है। अभी आप देखेंगे कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाले केसेस आगे नहीं बढ़ रहे थे, जैसे ही ये लोग आए वो केसेस आगे बढ़ना शुरू हुई। जरूरी नहीं है कि इन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन सिस्टम में जब लोग आ जाते हैं तो फिर सिस्टम पे भी प्रेशर पड़ता है। फिर आप देखेंगे कि जो बार एसोसिएशन होती है उन लोगों को पता रहता है कि यार ये इस समुदाय के वहाँ लोग हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, एडवोकेट्स भी बूस्ट होते हैं कहीं ना कहीं ऑब्वियसली। तो ये कॉन्फिडेंस सिस्टम में कॉन्फिडेंस जो होता है कि वो कॉन्फिडेंस आता है, बोलने में आप जो चीज बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं और वो पर्सपेक्टिव को समझने वाले लोग हैं। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि जब तक ये लोग नहीं आए थे तब तक एक एग्जामिनेशन होती है सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने की, वो इसमें सबसे ज्यादा धांधली होती थी, उस एग्जाम सबसे ज्यादा धांधली मैं आपको बता रहा हूँ। वो एग्जामिनेशन अभी रिफॉर्म हुई है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि आपके कई सारे लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील बन रहे हैं। ये एक सिंपल सा मतलब ये भी एक सिस्टम है कि वकील भी कौन आएगा ये भी वहीं से तय होगा। यस, तो एक कई सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि अपने लोग बहुत बने हुए हैं, तो
अब रजिस्ट्रार हमारे बन नहीं रहे थे, अभी तो हमारे रजिस्ट्रार बन गए बिल्कुल, कई लोग हैं सिस्टम में। अभी जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, इन्हीं के रिज्यूमे में बाबा साहब का स्टैचू एस्टैब्लिश हुआ, बिल्कुल बाबा साहब को लेकर तमाम स्टेटमेंट आए इनके, या फिर कई बातें उन्होंने इस समुदाय को, वंचित समुदाय को लेकर कही है, इनको, इनके काम को कैसे देख रहे हैं आप, और इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं दो साइड से जस्टिस चंद्रचूड़ को देखता हूँ। पहला तो जस्टिस चंद्रचूड़ का जो पढ़ाई है हार्वर्ड में, वो बेसिकली अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर पढ़ाई है, तो ही नोज अफर्मेटिव एक्शन क्या है, मतलब उनका LLM भी उसी में हुआ है, PhD भी उसी में हुआ है, और उनका थेसिस भी उसी के ऊपर, तो ही इज वेल वर्स्ड इन दैट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ही कम्स फ्रॉम ए जजेस फैमिली, उनके पिताजी इस देश के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रहे हैं, तो ही नोज की जुडिशियरी कैसे फंक्शन करती है, ही इज मास्टर इन दैट। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि उनकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन हुई है, एंड वो वकालत के क्षेत्र में अच्छे सीनियर एडवोकेट और फिर सॉलिसिटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनकर वो जज बने हुए हैं। तो क्वालिटी आप जजमेंट्स आप देखेंगे, क्वालिटी आप अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे, उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट जज हैं। लेकिन परसों के दिन मैं दिल्ली हाईकोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने गया था एक केस को लेकर, तो फॉरेन फैकल्टी लॉ में एक फॉरेन फैकल्टी है, उसने मुझे पूछा, मुलाकात हुई ऐसे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप जुडिशियरी और जस्टिस चंद्रचूड़ को कैसे देखते हैं, तो वही मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैंने उनको कहा कि जुडिशियरी में मेरे एक क्लाइंट का ओपिनियन है, मेरे पास एक अमेरिकन क्लाइंट था और कंपनी अफेयर्स का केस था, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि जब आप ब्राह्मीन नहीं है और या हिंदू हायर कास्ट नहीं है, तो आप इस सिस्टम में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? अमेरिकन आदमी, उसने मुझे ये बोला। दूसरा यह है कि मैंने उसको बोला कि जस्टिस चंद्रचूड़ को भाषण देने के लिए अलग से 3 महीना की सैलरी देनी चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, और यदि गवर्नमेंट के लोग सुन रहे हैं तो मैं उनको भी बताता हूँ कि उनको भाषण देने के लिए 3 महीने की सैलरी देनी चाहिए। इसका कारण यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो भाषण दे रहे हैं उसको वो लागू नहीं कर रहे हैं। जैसे एक एक देखिए कि उनको पता है कि यह सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन है, उन्होंने क्या करना चाहिए सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, कॉलेजियम के हेड है, उन्होंने प्रिंसिपल अडॉप्ट करना चाहिए कि हाईकोर्ट में जितने भी जजेस बनेंगे उसमें SC ST OBC के इतने जजेस जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई जज नहीं बनाया जाएगा। जैसे लॉ इंटर्न्स लॉ क्लर्क्स अपॉइंट करते हैं, लॉ क्लर्क्स में सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है जबकि वो सैलरी लेते हैं, और जुडिशियरी के रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में रिजर्वेशन प्रिंसिपल लागू है। तो अब उसी के लोग हैं वो क्लर्क, उसमें आपने रिजर्वेशन नहीं दिया और उसमें एटमोस्ट फेवरेटिज्म है, एटमोस्ट। मैंने खुद, मुझे खुद मालूम है कि जजेस किस तरह से सिलेक्शन कर रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन करता है, कोई फार्मर जज का लड़का है, कोई फार्मर अटॉर्नी जनरल का लड़का है, कोई सिस्टम का आदमी है, तो उसको आप इंटर्नशिप या क्लर्कशिप देते हैं अपने अंडर में, जो कि सबसे गलत है, और वो सिस्टम पहले बंद होनी चाहिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उसको बंद नहीं किया। जैसे चैम्बर्स अलॉटमेंट है, सरकारी पैसे से चैम्बर बनी है, सरकार के पैसे से, सरकार के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बनी हुई है, और सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन है, आपने उसको SC ST OBC के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं दिया उसमें। तो आप भाषण दे रहे हैं, लेकिन आप उस भाषणों में जो बोलते हैं, अभी मैं बहुत बार उनके भाषण सुनता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि उनके भाषण का एक एक चीज़ मुझे पाठ है। वो खुद बोलते हैं कि आप संविधान को मानो या न मानो, लेकिन संविधान आप नहीं मानते हुए भी आपके ऊपर लागू होता है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। वो जो है उनके ऊपर लागू नहीं हो रहा है, खुद के ऊपर लागू नहीं कर रहे हैं। जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स जो है उन्होंने अपने ऊपर लागू करने चाहिए, अपने ऊपर, मतलब जैसे सिस्टम के ऊपर। ही इज अ हेड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ही इज अ हेड ऑफ द जुडिशियरी। मैं यदि बोलूंगा तो मैं किसके बारे में बोलूंगा, मैं हेड को पकड़ूंगा ना, मेरा काम है हेड को पकड़ना। तो वो इस तरह की सिस्टम में वो लागू नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन
वो फेल हो रहा है इसमें, फेल हो रहा है। एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है जैसे चंद्रचूड़ की, कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं तब से उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की केसेस है, उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की केसेस को बहुत अच्छी तरीके से सुना है और उसमें जजमेंट्स दिए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब से जस्टिस चंद्रचूड़ आए हैं तब से सुप्रीम कोर्ट एक अपेलेट कोर्ट नहीं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कन्वर्ट हुआ है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब दो तरीके से आपने उनको देखा। लास्ट सवाल है, आने वाले 10 साल 15 साल बाद आप सुप्रीम कोर्ट को कैसे देख रहे हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट को देश का और दुनिया का सबसे बेहतरीन कोर्ट देख रहा हूँ आने वाले 15-20 सालों में। और मुझे लगता है कि डाइवर्सिटी के लिहाज से भी, यस डाइवर्सिटी लिहाज से, आउटकम ऑफ जजमेंट्स के लिहाज से, मेरिट ऑफ द जजेस एंड कंसिडरेशन ऑफ केसेस एंड डिस्पोजल, ये सारी चीज़ों में मैं सुप्रीम कोर्ट को वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्ट के रूप में आने वाले 10-15 सालों में देख रहा हूँ। प्रोवाइडेड जो समुदाय इस जुडिशियरी से अपने आप को दूर रख रहा है उसने जुडिशियरी में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये भी एक बार, ये एक फैक्टर यदि ये होता है जो कि हम होते हुए देख रहे हैं। जैसे आप लोगों ने शुरू किया कि इंटरेस्ट लिया, एक सवाल उठाया कि आखिर क्यों नहीं है, उस सवाल को पकड़ा और कैंपेन चलाया, फिर बात बढ़ी, कुछ लोग साथ आए, सोसाइटी का सपोर्ट मिला, सोशल मीडिया का जमाना है, वहाँ पे कैंपेन क्रिएट हुआ। तो इस लोगों को रुचि लेनी होगी, सवाल उठाना पड़ेगा, लगातार ध्यान देखना पड़ेगा कि चार हैं तो फिर आने वाले 5 साल में जब ये रिटायर हो तो फिर वो 2 ना रह जाए, एक ना रह जाए। और जब तक आप चेक एंड बैलेंस करते रहोगे कि हाँ ये जो 4 हैं ये नंबर बढ़ने चाहिए, इसमें OBC भी जुड़ना चाहिए, इसमें महिलाएं भी जुड़नी चाहिए, इसमें ट्राइबल भी जुड़नी चाहिए, अगर आप ये चेक करते रहोगे तो ये सिस्टम ही मजबूर होगा कि वो नंबर बढ़ाए ना कि नंबर घटाए। अब बाकी इस कैंपेन में जो शुरू हुआ था वो आज इस मकाम तक पहुंचा है कि 4 जजेस पहुंच गए हैं, और आपको बधाई। और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जिनका नाम लिया नितिन जी ने, दिलीप मंडल और अरविंद जी को भी बहुत बहुत बधाई। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। जय भीम।